नमस्कार, मेरा नाम अरुण कौशिक है। हम बात करेंगे एलविस यादव की। एलविस यादव एक यूट्यूबर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, और हाल ही में आपने उन्होंने ओटीटी के जो बिग बॉस 2 का सीजन था उसमें देखा होगा, विजेता थे उसके। काफी नाम है सोशल मीडिया में उनका, काफी बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, लेकिन एक बड़े झमेले में फंस गए हैं, कानून के झमेले में फंस गए हैं। बहुत ही संगीन आरोप उन पे लगे हैं। नोएडा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है एलविस यादव के खिलाफ, जिसके अंदर कई धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। मेनका गांधी की एक संस्था है जो जानवरों के लिए काम करती है, उनकी रक्षा के लिए काम करती है, पीपल फॉर एनिमल्स। उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नोएडा के आसपास जो बंगलेज हैं, जो फार्म हाउस है, वहाँ पर यूट्यूबर्स हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हहैं, शूटिंग करते हैं, उसी की आड़ में वहाँ रेव पार्टी की जाती हैं। और उन रेव पार्टी में कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें जो सांप का जहर होता है वो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। और इसमें उन्हें जो नाम दिया वो नाम था एलविस यादव का। पुलिस के सामने जो नाम रखे गए उनमें ये कहा गया था कि एलविस यादव हैं जो पूरा मैनेज करते हैं। इसके बाद ट्रैप लगाया गया, एक मुखबिर को फर्जी ग्राहक बनाकर एलविस यादव के संपर्क करने के लिए कहा गया, उनसे संपर्क किया गया। उसके बाद रेप पार्टी की डेट तय हुई, उसके अंदर पूरी तरह से तय हुआ कि उसके अंदर उन्हें विदेशी लड़कियां भी चाहिए, सांप का जहर वो भी चाहिए, और पूरी तरह से बात हुई। उसके बाद एलविस ने एक आदमी का नंबर दिया, कहा कि इसे संपर्क कीजिए, ये आपका सब मैनेज कर लेगा। सब मैनेज किया गया। जो डेट फिक्स हुई थी उस तह डेट के अनुसार जो बंगला तय किया गया था, जो होटल तय किया गया था, फार्म हाउस जो था, वहाँ जो मुखबिर थे वहाँ पहुँचे, उनके साथ में जो पीपल फॉर एनिमल्स उनकी जो टीम थी वो भी थी, इसके अलावा सादी वर्दी पुलिस वाले भी थे। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद जो उनसे बात हुई थी एलविस यादव के आदमियों से कि भाई हमें विदेशी लड़कियां भी चाहिए, हमें सांप का जहर भी चाहिए, तो वहां तकरीबन सब कुछ मौजूद था। उसके बाद उन्हें पूछा गया कि जो सांप है हमें सांप दिखाई जाए, पहले तो सांप दिखाए गए, जब पुष्टि हुई कि हाँ सांप भी है, सांप का जहर भी है। उसके बाद नोएडा पुलिस ने ये कहा कि ये पुलिस की रेड है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो चल रही थी, तो अब हम इसमें आप लोग फंस गए हैं। इससे पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि किस तरह से विदेशी जो महिलाएं हैं, विदेशी महिलाओं को पार्टी में लाया जाता है इस रेव पार्टी में, और नशे के लिए सांप का जो जहर है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक बड़ा सबूत था। इसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद से जो सामान उनके पास से जो बरामद हुआ उसके 5 कोबरा थे, बहुत ही जहरीली किस्म के नाग हैं ये कोबरा, बहुत खतरनाक जहर होता है इनका। इसके अलावा एक असगर पुलिस ने बरामद किया, इसके अलावा 2 और प्रजाति के सांप थे जो पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा 20 ml जहर, जो सांप का जो जहर था वो बरामद किया गया है। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, सांप भी पुलिस के पास है। तो वन्यजीवी प्राणी अधिनियम के तहत और IPC के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले की जांच नोएडा पुलिस कर रही है। ये आपको बता दें कि जो जहर है, एक तो रेप पार्टी हिंदुस्तान में करना वैसे ही बैन है, और जो जहर से जो नशा किया जाता है ये भी हिंदुस्तान में बैन है, क्योंकि आपको बता दें कि इस नशे का जो कारोबार है ये बहुत ही खतरनाक है और सांप के जहर का नशा सबसे खतरनाक माना जाता है। खैर, नोएडा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बाद पूरी खानापूर्ति करने के बाद नोएडा पुलिस ने एलविस यादव के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया, FIR में एलविस यादव का नाम भी है, पुलिस उन्हें तलाश रही है। फिलहाल पुलिस के सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन एक वीडियो जरूर जारी किया है एलविस यादव ने, और उसने इस वीडियो में दावा किया है कि जो भी
धाराएं उन पर लगाई गई हैं, जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो पूरे मनगढ़ंत हैं। इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उन्होंने इस वीडियो में कहा है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की है कि वे कोई भी चीज ऐसी ना चलाएं जो तथ्यहीन हो, कि अगर मीडिया चलाना चाहता है तो उस आधार पर चलाएं अगर उनके पास कोई इसी बात के सबूत हो तो। मीडिया से उन्होंने गुहार किया है कि उनकी जो छवि है उसे धूमिल ना करें। खैर, उन्होंने ये भी कहा है कि वे नोएडा पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अब FIR उनका नाम दर्ज है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस से जुड़े सूत्र हैं, उन मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि मामला संगीन है, जांच चल रही है, और अगर इसके अंदर अल्विस यादव भले ही अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा भी उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ तो अल्विस यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, संगीन धाराएं हैं। देखते हैं आगे जो इन्वेस्टिगेशन है ये कहां तक जाती है, कुछ और बड़े लोगों के नाम भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। खैर, फिलहाल इतना ही। आप अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।